हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं अपने ड्राइंग रूम के लिए एक पॉट पेंट कर रही हूँ और उसको मैं कंप्लीट करूँगी डेकोपेज के साथ। इसके लिए मैं इसके ऊपर सबसे पहले लगा रही हूँ जेसो का। हम कोट करेंगे ये, जब सूख जाएगा फिर इसके ऊपर हम डेकोपेज से इसको रेडी करेंगे। ये हमारा जेसो का कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैंने ये नैपकिन मंगाए हैं और ये नैपकिन ऐसे लेयर्स में आते हैं फोर की। इसको हम ऐसे धीरे धीरे खोलेंगे बहुत आराम से। और उसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी है और इसको हम कैची से नहीं काटेंगे, धीरे धीरे हाथ से। अनइवन कटे तो भी कोई दिक्कत नहीं है और अच्छा है कि हमारा इफेक्ट अच्छा आएगा, नेचुरल एकदम। ये नैपकिन अलग हो गया है और अब मैं इसको अप्लाई करने के लिए पहले सरफेस पे मॉड पोज लगा रही हूँ। जितना हिस्से में हमारे ये आएगा उतने में हमें मोड पोज लगाना है। मोड पोज लगाने से फिनिशिंग अच्छी आती है और कॉर्नर्स दिखते नहीं हैं। हमारा मोड पोज लग गया। अब इसके ऊपर हम इसको स्टिक कर देंगे बहुत आराम से और कोशिश करें कि इसमें जैसे आ रहे हैं ना, इसको सबको निकालते हुए। ये पेपर इसके ऊपर हमने स्टिक कर, ये हमारा इसके ऊपर स्टिक हो गया है पेपर। अब इसके ऊपर हम डेकोपेज का, सॉरी मोड पोज का एक कोट कर रहे हैं। ये हमारा सूख गया है। अब इसके ऊपर मैं ये चॉक कलर यूज़ कर रही हूँ बैकग्राउंड के लिए। इस बैकग्राउंड, इस कलर से हम इसका बैकग्राउंड कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा ओवरलैप करते हुए डिज़ाइन को। ये इसके पीछे मैंने डिटेलिंग की है, लीव्स बना दी हैं और वाइट कलर से फ्लावर्स बनाए हैं और ऊपर मैं इसके मैं अपने यहाँ पर ग्रीन कलर कंप्लीट कर दूँगी ऊपर तक। ये मेरा ग्रीन कलर हो गया और इसके बीच में मैं अब ब्लू कलर कर रही हूँ। इसके ऊपर ब्लू कलर कंप्लीट किया है। अब यहाँ ग्रीन कलर के ऊपर मैं इसके ऊपर मिरर वर्क कर रही हूँ। उसके लिए मैंने ग्लू लगाई है और डिज़ाइन आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। मैं ये मेरा इसके ऊपर मिरर वर्क कंप्लीट हो गया है और इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा आया है, एकदम डिफरेंट वे में बन गया है। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं वेट करूँगी। थैंक यू।